हमें अब पता नहीं कौन है, हमें नहीं मालूम। अब ये हमें वो दिखाना है कि कैसे करा है, तो हमें ये देखना है। सल्फर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये भी हो सकता है ऑप्शन ना सही दिए, मुझे तुम्हारा आएगा तो तुम्हें खुद जानना होगा। और देखो बताएंगे बताते हैं, ये वो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा, जो स्ट्रक्चर बना पाएगा तो वही बता पाएगा। इसमें स्ट्रक्चर बनाना होगा और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हाइब्रिडाइजेशन देखना होगा। और कितने बनाए स्ट्रक्चर, नहीं बनाए पहले स्ट्रक्चर तो बनाना सीखो, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो और ये भी हो सकता है ऑप्शन में कोई ऑप्शन ही ना हो, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक बार क्या किया, आईआईटी कानपुर में क्या किया, यूनिटरी डायमेंशन पढ़ते हो,
यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ते हो महीने पर, दो महीने पढ़ते हैं बच्चे, है ना, जैसे इलेवेंथ में आते हैं बस वही को पढ़ते रहते हैं। तो अब वो पढ़ते रहे तो उसने क्या किया, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, और ऑप्शन ना देखे अब कहें यूनिट डायमेंशन का नहीं आ पा रहा है, यूनिट डायमेंशन नहीं आ पा रहा, और उसमें ऑप्शन कोई था ही नहीं, उसी में वो 5-10 मिनट वही में खपा दिए, बस उसकी स्कीम यही। हाँ वो तो बाद में मिलेगा ही, लेकिन उसने 10 मिनट तो खपा दिए बच्चे ने, वो इसीलिए तरह था किसी में उलझ जाए वो आगे कर ना पाए, वो डिस्टर्ब करने के लिए दिया जाता है। तो अच्छा आप देखो अच्छी मतलब H2SO4 का स्ट्रक्चर जानते हो, H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, अब इसी में सेट करना है कैसे सेट करना है, H2SO4 था इसी बोला तो Na2SO4 वही हो जाएगा, वही हो गया ना जो H2SO4 का है। हाइड्रोजन की जगह सोडियम लगा दो, ये हो गया। देखो ये क्या था, वो सल्फेट का मालूम की नहीं ऐसा बना दिए, देखो देखो बहुत सी ये भी नहीं बना पाते, इसका नहीं बन पा रहा, H2SO4 नसरी केजी वाला स्ट्रक्चर है, बना दिया। देखो सब लोग बना लेना है, देखो हर कर अरे आपने बोला था इसकी तरफ से ये नहीं बदल, आप ये नहीं बदल नहीं था ना, अभी आप बदल। अच्छा देखो देखो वे, अच्छा देखो देखो इधर ये देखो, ये नहीं मना पा रहे लोग, मतलब तुमको पढ़ाने वाले को कुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो ऐसा तुम लोग पढ़ते हो पढ़ाने वाला लटक जाए। देखो ये H2SO4 है, ये तो जानते हो, तुम इसको भी नहीं बना पा रहे। और देखो यही को हमने कहा H हटा दो, Na लगा दो, वो पता नहीं कहाँ का H लगा रही है, वो यहाँ Na लगाई थी नहीं, तो देखो ये Na लगा दिए, ये देखो Na2SO4 हो गया। अब कह रहा है देखो अब क्या करना है, वहां पर ऑक्सीजन कितनी, यहां पर कितनी है, अब बस क्या करो एक ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दो। देखो इसमें हमने क्या किया, देखो देखो इधर ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दो, तो देखो क्या हो गया, हो गया N2H2O3 बन गया। अब कह रहा है इसमें बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट, अब बता ऑक्सीडेशन स्टेट बाई स्ट्रक्चर पूछा करता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम, ना कि वो मैथमेटिकल वाला निकाला करते हो जो ऐसे करते हो, मैथमेटिकल निकाल रहे हो इसमें कौन सी बुद्धिमानी का काम कर रहे हो, केमिस्ट्री का क्या यूज किया, मैथमेटिकली कर रहे हो जब मैथमेटिक्स भाई Na2SO3 को ये मैथ से निकाल दिया हमने, इसमें हमने कौन सी बुद्धिमानी कौन सी केमिस्ट्री लगा दी, ये सब नहीं करेक्ट, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो स्ट्रक्चर से बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताया करते थे, देखो ये हम लोग नर्सरी केजी में पढ़ा करते थे, अगर कोई दो एटम हो उनके पास सिंगल बॉन्ड हो, तो सिंगल बॉन्ड को अगर तोड़ते हो तो क्या करो, जो निगेटिव होगा उसको -1 यूनिट दे दो, जो पॉजिटिव होगा +1 ले लेगा। तो कह रहा था इसी को जब तोड़ते थे तो एक मान लिया हमने ए क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए को -1 मिल गया और बी को +1 मिल गया। ऐसी डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड को तोड़ते तो अब इसमें क्या होता, ए को -2 मिल जाता और बी को +2 मिल जाता। ऐसी ट्रिपल बॉन्ड होता
उसको तोड़ते तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा माइनस थ्री यूनिट ले जाएगा और जो प्लस होगा तो थ्री यूनिट ले जाएगा। अब जरा इसमें देखो, इसमें करना है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्या करते ये प्लस वन ये माइनस वन हो गया। ये देखो ऑक्सीजन है और सल्फर है, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ले गया माइनस वन और ये क्या ले गया प्लस वन। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, इसको मिल गया माइनस टू और इसको मिल गया प्लस टू। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, ये जुड़ा है माइनस वन, इसको मिल गया प्लस वन, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है प्लस वन है, ये क्या है माइनस वन। अब कह रहे जरा ये सल्फर दोनों को देखो, जरा इन दोनों सल्फर को चेक करो, क्या जीरो जीरो करें, तो कह रहे अब ये पहले देखना होगा हाइब्रिडाइजेशन, जरा बताओ इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना, हाइब्रिडाइजेशन को निकालते थे सिग्मा और पाई काउंटिंग करते, तो क्या है देखो देखो कितने जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा होते हैं, ये देखो सिग्मा सिग्मा दो सिग्मा है, और जब डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है बॉन्ड पर पाई होता है, दो है एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल सिग्मा इसके पास कितने हैं फोर है, और फोर से क्या बनता है, फोर जब स्टेरिक नंबर आता है तो क्या बन जाएगा बोलो sp3। अब जरा इसमें आ जाओ, इसमें कैसे निकालेंगे, कह रहा है देखो इसके पास एक सिग्मा है और सल्फर ऑक्सीजन फैमिली के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते थे, कितने होते थे, हाँ बोलो कितने होते थे, सिक्स होते थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखो दो ये इंगेज हो गए और दो ये बच्चे हुए हैं। तो अब यहाँ जरा चेक करो, सिग्मा एक है और एक पाई है, पाई कभी काउंटिंग में नहीं आता है, सिग्मा लोगे तो एक सिग्मा हो गया और दो लोन पेयर हो गए, तो एक सिग्मा और दो लोन पेयर, तो कितना नंबर बन गया थ्री, और थ्री से क्या बना, ठीक है। तो अब कहा चलो अच्छा ये बात हो गई, तो ये कहा एसपी थ्री वाला है, ये एसपी टू वाला है, ये एसपी थ्री है और ये एसपी टू है, और हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, एसपी वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी टू की होती है, फिर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी थ्री की होती है। कह रहा है यहाँ नेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आया, और जब डिफरेंस आया तो ये क्या बनाए, ये वाला नेगेटिव एटम हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये जब नेगेटिव हो गया तो मिल गया माइनस टू यूनिट, ये ले गया माइनस टू और ये ले गया प्लस टू। अगर अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो जोड़ो, ये देखो टू फोर सिक्स, इसकी आ रही है सिक्स और इसकी आ रही है माइनस टू, इसकी आ रही है सिक्स और एक की आ रही है माइनस, इसका एक ऑप्शन मौजूद। तो यहां पूछा था, और जाके जरा देखना, कम से कम एक दो बार नहीं हजारों बार पूछा, सल्फर की ऑक्सीडेशन, सल्फर की ऑक्सीडेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन भी यूज होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन का लगेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, इसलिए ये बहुत अच्छा बन जाता है, इसकी बेस पर हम लोग केमिकल रिएक्शन करेंगे, जब किसी की रिएक्शन होती है तो यही की सकता है, तो इससे हमेशा सल्फर हमेशा निकला करेगा, तो अब इसी की रिएक्शन कराएंगे हम कोई से, तो आगे चल के केमिकल रिएक्शन जब हम करेंगे तो यही सल्फर बाहर हो जाता है, तो स्ट्रक्चर के बेस पर हम जान जाएंगे कितना कौन निकलेगा कौन तो नहीं निकलेगा, ये बात अच्छा बोल था। अब तुम उसको नहीं समझ रहे, जीरो याद है दुनिया कितनी आसान हो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्या दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम
जब हाइब्रिडाइजेशन फेल होता है तो जीरो होता है, और जब हाइब्रिडाइजेशन आता है फिर नेगेटिव डिफरेंस होता है, जब डिफरेंस होगा तो वही तो लगेगा आइगन। अब अगर यही देखो मार्शल एसिड में, देखो मार्शल एसिड में H2S2O4 होता है, अरे सॉरी H2 ये क्या होता है H2S2O8 होता है, मार्शल एसिड पढ़ा पहले H2S2O8 होता है, वहां पर देखो दोनों ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज में है, दोनों को एक ही मिलता था और दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, वहां दोनों को 0-0 मिल जाता था। अच्छा चलो चलो वो जाऊंगा मान के काट के, मेन कहानी ये है यहां से स्टार्ट करते हैं, वो तो 11th 9th 10th 11th की बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लास 6 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये देखो जब यहां की सेकंड वाली बुक देख लेना, आज ये सब बताना है, देखो ऐसे से पूछा जाएगा। अब अगर ये चीज आ गई तो हमारा मूल मतलब तैयार, मूल कॉन्सेप्ट तैयार होने के लिए मतलब कि हमारे पास अब ऐसे से कभी पूछेगा एटम है बताओ बच्चा कि मोल्स हैं मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो कौन मोल है कौन मॉलिक्यूल है कौन एटम है और क्या क्या कैसे निकालना है, तो यहाँ से फिजिकल स्टार्ट हो, फिजिकल का कैलकुलेशन अब ऐसे मोल चले तो नहीं, वो पूरा कैलकुलेट नहीं करना, बस वो दिखा देना है कि इतना मोल हो गया मल्टीपल हमें देखना है कि यहाँ क्या क्या कर रहे हो,
देखो अच्छा देखो अच्छा समझो, जिसको नहीं आता है समझो, इसमें कुछ नहीं होता है। बस देखो क्या करना है तुम्हें, पहले समझना है कौन है। सबसे पहला काम क्या हुआ करे, गोल निकाल। देखो अच्छा हम थोड़ी देरी बताते, सब पढ़ा हुआ है बस डायरेक्ट बता दो। अगर क्या तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नहीं आता क्या, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स नहीं पड़े थे क्या, उसमें सबसे जरूरी हाइब्रिडाइजेशन हर एक मॉलिक्यूल का बहुत फटाफट आना चाहिए। अच्छा जैसे ठीक है CrO5 है, CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। देखो CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, पता नहीं है ये बताओ मैं बस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन क्रोमियम का 6 से ज्यादा है। ओ ओके ओके हां ठीक है ठीक है इसमें वो है वो वाला बर्तन है क्या है इसमें परऑक्साइड, दो परऑक्साइड लेंगे है ना। अगर मैथ से करोगे तो देखो कितना 10 बता देगा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम में कभी होता नहीं, क्रोमियम 24 था, 24 में करे थे ना स्पेशल केस में जब कॉन्फिगरेशन कर रहे थे 9 10 11 में कौन करते थे ना, तो वहां एसपीडीएफ कॉन्फिगरेशन वाला होता था, वो बस बने हुए किया जाता है ना। तो ये देखो सब तैयार होना चाहिए। अच्छा देखो तो देखो अब हुआ क्या, जल्दी से देखो कहानी सुनाने। ये एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट था, एवोगैड्रो ने क्या कहा, एवोगैड्रो ने हाइपोथेसिस का मतलब जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम वन मोल कोई भी चीज, वन मोल क्या था, एक नंबर, एक नंबर कैसा, जैसे डजन होता है, डजन में क्या होता है 12 होता है, स्कूल बोले तो 20 रहा करेगा, सेंचुरी बोले 100 रहा करेगा। तो वैसे इन्होंने एक नंबर ले लिया, तो कहा अगर वन मोल किसी को भी बोला करो, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं था, और जब नंबर नहीं था तो इन्होंने क्या कहा कि हम एक ऐसा नंबर लेते हैं तो वन मोल में इतने नंबर रहा करें, और जब इतने नंबर रहेंगे तो इसको उन्होंने नाम दे दिया ये एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना था, ये एवोगैड्रो नंबर होता करेंगे एवोगैड्रो नंबर। और दूसरा इन्होंने हाइपोथेसिस क्या किया, और इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिल पा रहा था उस वक्त, अब सब कुछ मिलता है, और कहा कि वन मोल कोई भी गैस ले लो, वन मोल कोई भी गैस, वन मोल एनी गैस एट एनटीपी या एसपीपी लेते हो तो इसका जो वॉल्यूम कहा कितना हुआ करेगा, ये 22.4 लीटर। यहां पर बताओ प्रेशर किसमें लेते हैं, प्रेशर किसमें लेते हैं, वन एटीएम लेते हैं। तो ये बताओ अच्छा अच्छा मॉडर्न के हिसाब से अब क्या कर दिया गया है, अब कितना हो जाता है वॉल्यूम, कितना हो जाता है 22.7 हो जाता है, अभी तक वो चेंज नहीं हुआ। अब क्या मिलते हैं, वहां प्रेशर ले रहा था एटीएम में ले रहा था, अब उसको बार में मेजर करते हैं, लेकिन कहा है अभी तक कहीं आया नहीं है, इसलिए सब लोग वही चल रहे हैं, कभी पूछ लिया जाता है तो सब बदल जाएंगे।
है ना, अभी नहीं पूछा गया है और जिस दिन वो पूछ देगा देखना पूरी सब बेकार हो जाएंगी, फिर अब तुरंत मॉडिफाई करके उसको फिर प्रिंट करना पड़ेगा। इसलिए अगर कभी पूछा गया वो जब पूछ लेगा तब उस दिन से मैच शुरू हो जाएगा, और जब तक नहीं पूछेगा वो काम चल रहा है तो चलता रहे। 22.5 लीटर में दे जब 1 ATM में लेते। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे पास तीन फार्मूले इसमें दिए थे, तीन फार्मूले में क्या कहा कि कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल क्या होता था, वेट अपॉन एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से आ गया। दूसरा हमारे पास क्या होता था कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं, आयन्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर जो नंबर आया है वो नंबर यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय ये फिगर देता है। क्या मतलब कह रहा है, बिल्कुल वैसी टाइप का तो है जैसे हम लोग करा करते थे भाई, कोई भी नंबर ले लो, कह रहे हैं 50 स्टूडेंट तो कितने डजन हो गए, टर्म से डिवाइड कर दिए। वैसे कह रहे हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, कहेंगे हमारे पास कितने 5×10^50 इलेक्ट्रॉन्स है, हम कहेंगे 5×10^50 इलेक्ट्रॉन्स है जी कितने मोल, कह रहा है 1 मोल में जितने होते हैं मोल आ जाएगा। वैसे इन्होंने क्या किया, अब एक तीसरा बना दिया, ये नंबर के लिए था। तो अगला क्या हो गया, कहा कोई भी वॉल्यूम में बताया, वॉल्यूम में कैसे कहा कि अगर हमें मोल्स पता करने हो तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम एट NPP SPP निकाल दो, वो भी किसमें लीटर में, उसको डिवाइड कर दो 22.4 से, कह रहे यहाँ से भी मोल आ जाएगा। और एक मोल हमने और निकाला था मोलैरिटी वाले में, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में कर दोगे तो वहां पे भी एक मोल आ जाता है। तो कभी कंफ्यूज करना होगा तो एक वाला सेट भी देगा तो वहां पे मोल निकल आएगा। तो कह रहा था ये था, अब इन सब में हो क्या रहा था, यानी मोल कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा था कि वो इसका जरा सेट देखो कैसा बन रहा था। कह रहा था एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास वेट होता है, एक हमारे पास क्या होता है नंबर होता है, और एक क्या होता है एक वॉल्यूम। जैसे तुम जाते हो सब्जी खरीदने जाते हो, जब सब्जी खरीदने जाते हो तो वहां पर बनाना जब केला खरीदते हो तो एक पका हुआ केला मिलता है और एक सब्जी मंडी वाला मिलता है कच्चा वाला, तो उसमें क्या होता है जो पका हुआ देता है तो मोस्टली डजन में देता है, कहीं कहीं कोई वेट के हिसाब से भी देता है, उसको वेट में भी मेजर करते हैं और देखो नंबर में भी करते हैं, वेट में भी करते हैं नंबर में भी करते हैं। ऐसे जब जाते हो तुम कोई दुकान में जनरल स्टोर वाले में, तो जैसे ऑयल खरीदते हो घी खरीदते हो तो वो क्या करा करता है, कभी वो तौल के दे देगा, कभी देखो उससे नाप के दे देगा, कोई ऑब्जेक्शन करता नहीं ना। तो चाहे तो उसकी दो मेजरमेंट होगी, एक वेट से ले लेते हो और एक ML लीटर वाला जो मेजर करता है उससे ले लेते हो। तो यानी वैसे ही यहाँ पर कहा करा मोल एक ऐसी चीज है कि वेट देखो वेट से लाओगे, वेट पता है तो मोल पता कर लेंगे, नंबर किसी का मालूम है तो भी हम मोल पता कर लेंगे, और अगर वॉल्यूम पता है तो भी हम मोल बता लेंगे। तो क्या हम अपने का मोल बता सकते हैं, क्या हम अपनी बॉडी का मोल बता सकते हैं, बता जल्दी कैसे बताओ तुम्हें बोलो कैसे बताएं, क्या हम अपने को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम लोग देखे होगे जब कैलकुलेशन करा करते थे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हुआ करती थी, तो उसमें क्या करते थे, कोई एक मॉलिक्यूल है और उसमें कार्बन का परसेंट इतना है इतना है, उसके बेस पर हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते थे ना उसका, याद है। तो अगर हमारी पूरी बॉडी में हड्डी कितना परसेंट है, ब्लड कितना परसेंट है, ये निकल जाएगा कि नहीं, परसेंट आ गया है तो हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे कि नहीं, कि हमारा मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, हड्डी मींस बोन्स मींस कैल्शियम है, ब्लड है मींस आयरन है, हम हमारे पास एलिमेंटल स्टेज में आती जा रहे हैं, तो उनके कंपोजिशन से हम अपना मॉलिकुलर वेट निकाल लेंगे और वेट हमें मालूम है उससे डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बहुत बड़े सोच अभी तुम छोटे कर देखो, कह रहे हैं हुआ क्या, कह रहे कोई वेट मालूम है और कह रहा है वेट से डायरेक्ट वेट हम नहीं बता सकते,
उसका तरीका इन्होंने क्या बनाया, कहा कुछ भी हो सबसे पहला काम क्या करो, मोल में कन्वर्ट करो। अब मोल से जो चाहते हो उसको बना, मोल से तुम वेट बनाना चाहते हो, मोल से नंबर में लाना चाहते हो कि मोल से वॉल्यूम में लाना चाहते हो, कह रहे जिससे भी लाना चाहते हो तुम उसमें कन्वर्जन कर दो। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन का एक पार्ट आ गया मोल का। तो कह रहे मोल में खासियत क्या हो गई कि वेट में भी दे रहा है, नंबर में भी दे रहा है, वॉल्यूम। तो इसलिए कभी भी होगा तो हम मोल से कन्वर्ट करके हम कुछ भी लाए, डायरेक्ट हम नहीं कैलकुलेशन कर पाए। तो मोल एक बनाई ये हाइपोथेसिस जिसका कोई इस वक्त मैथमेटिकल प्रूफ नहीं मिलता। तो वहां से देखो इतने फॉर्मूले, तीन ये देखो बताए, नंबर में बताने के लिए, वॉल्यूम में बताने के लिए और वेट में बताने के लिए, कन्वर्जन के लिए तीन ये फॉर्मूले, और उन्हीं को ये कन्वर्ट करना सीखा कहा के लोगों को। ठीक, तो कह रहे हैं अच्छा अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको कैसे करेंगे। कह रहे हैं मोल्स है कि क्या दिया है, ये वेट दिया हुआ है, और जब वेट दिया है तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहले तो मोल में कन्वर्ट कर, और जब हमने इसको मोल में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, ये देखो 15.8/158, इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/10 मोल्स हो गया कि नहीं। तो कह रहे हैं कभी भी अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने, तो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, तो कह रहे हैं सबसे पहला काम क्या है, पहले मोल पता करो, मोल इतना था, अब एक मोल में कितने लोग रहा करते थे, कह रहे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो कह रहे उसी से मल्टीपल कर दोगे तो ये क्या रहेगा, ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आता, आगे कह रहे अच्छा नंबर ऑफ सोडियम एटम्स बताओ कितने हैं, तो कह रहे सबसे पहला काम क्या है, मोल पता करो, मोल है इतना। अब जब मोल इतने हैं तो कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीपल करो इतना मॉलिक्यूल हो गए। और कह रहा है एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम थे, टू थे, तो इसको क्या कर दो, टू से मल्टीपल कर दो, तो ये देखो इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम, देखो मास का फायदा होता है। तो आगे देखो ये कुछ पूछ रहा हूँ बोलो, फिर ये नंबर ऑफ सल्फर एटम बताओ, सबसे पहला काम क्या है, मोल बताओ, देखो मोल बता दिए, ये मोल इतने थे, आप कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स बता दो, तो मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब कह रहे हैं एक मॉलिक्यूल में देखो सल्फर है कितने, तो A1 में टू है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब कह रहे हैं ऑक्सीजन एटम भी ऐसे हमने बता दिए, सबसे पहला काम क्या, कुछ भी बताना है पहले मोल बता दो, फिर मॉलिक्यूल्स बता दो, और फिर एक मॉलिक्यूल में देखो कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 है। तो अब बात कहा भाई सोडियम आयन बताओ, अच्छा तो सोडियम आयन बताने के लिए क्या किया, अगर हम इसको आयनाइज करते हैं तो ये क्या देता है, 2Na आयन, और प्लस क्या देता है, H2O3 डाइनेगेटिव, ये इस तरह से होता है, यानी एक मॉलिक्यूल से जब उल्टा करेगा तो 2 मोल मिला करेगा, और जबकि ये क्या बोला जाता है, इसी को बोला करके थायोसल्फेट कंपाउंड होता है, इसको हाइपो कंपाउंड बोला जाता है। इसको कहाँ यूज करते हैं, जब हम लोग फोटोग्राफी करा करते, तो फोटोग्राफी में जो होता था, तो जब वो देखो होती थी, वो रील होती थी ना, तो रील वाली जो हुआ करती थी तो लाइट करते थे, तो वहाँ यूज होता था, किसी को हाई फोटोग्राफी में यूज करा था, तो हाइपो कंपाउंड भी बोलते हैं कंपाउंड। ये सोडियम जब होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, वो डबल मिलता है, तो कह रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर तो सबसे पहला काम क्या है, मोल्स बता दो, मोल से क्या बता रहे हम, मॉलिक्यूल्स बता दिए, और एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम मिलते हैं, डबल मिलते हैं, देखिए अच्छा बताओ सल्फेट कंपाउंड कितने मिलेंगे, पहला काम क्या है मोल, फिर क्या बोल दो मॉलिक्यूल्स बताओ, फिर एक से क्या मिलेगा, एक मिला करेगा, फिर ये क्या करे टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पहले मोल बता दो, फिर मॉलिक्यूल्स बता दो, और फिर देखो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, देखो 2 इसके 2 इसके 3 इसके 7 है, तो इतने टोटल एटम्स होते हैं। तो कह रहा है मोल्स ऑफ एनी एटम के बता दो, इसका एप्लीकेशन करेंगे, ये बहुत भयानक एप्लीकेशन इसका आएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है मोल्स पूरे कंपाउंड का दिया है, तो अब बताओ उनके पर्टिकुलर एटम का कितना मोल हो,
तो जब इसका पूरा लेते थे तो एक मोल Na2SO4 में देखो दो मोल Na आयन के, Na एटम के, यानी इसका मोल कितना था, कह रहा मोल्स Na एटम के बता दो, तो कह रहा पूरे मॉलिक्यूल का मोल इतना था, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, दो है, तो ये देखो ये कब काम यूज करेंगे, जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन करते हैं तो वहां पर इसका बहुत टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो अब वो सब निकालना होगा तुम्हें, सोडियम का कितना होता है 11 होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने 11 है, प्रोटॉन कितने हैं 11 है, न्यूट्रॉन कितने हैं वो 11, 23 माइनस 11 करो तो वहां 12 मिल जाएंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, यहां सब कैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सम करोगे वो जो निकालोगे वही नंबर यहां रखो, ठीक है हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन निकालने, सोडियम के कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो एक में होते हैं कितने, कितने होते हैं 11, 11 हो गए ना, तो 11 तो दो के कितने हो गए 22 हो गए, और उसके देखो सल्फर के कितने होते हैं, सल्फर का कितना होता है 16, और 16 का हो जाएगा 32, तो ये हो गया सोडियम के लिए और ये हो गया सल्फर के लिए, कितना हो गया 32। अब ऑक्सीजन में एक में कितने होते हैं, एक कितने होते हैं 8 होते हैं, और ये कितने 3 दो हैं, ये कितना हो गया 24, कितने आ गए 70, तो कह रहे इसमें निकालना था जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो पहले मोल्स निकाल दो फिर मॉलिक्यूल्स निकाल दो, हाँ, और फिर देखो एक मॉलिक्यूल में कितने 78 कितने टोटल इलेक्ट्रॉन, ऐसी प्रोटॉन निकाल देंगे, ऐसी न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। अब कह रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी निकालना होगा तो दिख जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो सोडियम के पास कितने होते हैं 1 होते हैं, तो दो लोगों के पास कितने हो गए 2, सोडियम में 2 मिल रहे हैं, और देखो सल्फर में कितने रहते हैं 6 रहते हैं, 2 में कितने हो गए 12 हो, ऑक्सीजन में देखो 36 होते हैं, कितने हो गए ये 3 हो, तो यहाँ पर जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं 32, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मोल्स निकाल दिए, मॉलिक्यूल्स निकाल दिए और 32 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो ये सब का मतलब, ठीक है ये हो गया। अब पेपर पर अब ये कहा, अब हमें निकालना है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के टर्म में अगर हमें ग्राफ बताना है तो वो हम कैसे, वेपर प्रेशर का रिलेशन को बताया जाएगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वो कौन बताएगा, एक आर्हेनियस थ्योरी होती है उसके हिसाब से, चलो अच्छा आप देखते हैं ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है बताओ। अब देखो आते हैं वेपर प्रेशर, अब देखो वेपर प्रेशर हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज है, इसके नाम से क्लियर होता है वेपर का प्रेशर, लेकिन कुछ कंडीशनल होना चाहिए, मतलब कह रहा है कि मतलब ये कि वेपर जो प्रेशर में, यानी वेपर कोई भी लिक्विड से कोई भी फ्लूइड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा, तो वही वेपर में वो कब कन्वर्ट होगा, जब उसमें कुछ एक नेचर होगा किसका, वोलेटाइल का, कह रहा है ये वोलेटाइल क्या होता है, अभी की वोलेटाइल आता है तो वोलेटाइल का मतलब क्या है, क्या पूरा खेल यही वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल देखा करेंगे, तो वोलेटाइल का मतलब, और एक हमारे पास मिला करेगा नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल कह रहा ये दो चीजों से डिफाइन होता है वोलेटाइल, कह रहा वोलेटाइल का मतलब होता है जैसे आप पानी को है हमने खुला रख दिया तो अब वो अब ऐसे तो नहीं निकल गया आसानी से, अगर वही पेट्रोल को हम उसी के सामने रख देते हैं तो पेट्रोल जल्दी से निकल जाता है,
अब कह रहे हैं उसी के सामने अगर हम परफ्यूम रख देते हैं वो और फास्ट होता है, हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, परफ्यूम के कंपेयर में ये जो कम है, लेकिन वाटर की कंपेयर में देखो ज्यादा है पेट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं ये कहाँ से कैसे इनको डिफाइन किया? कहा इनके पास कुछ एक इंटरमॉलिकुलर फोर्स हो, तो कहा कि एक तो क्या होना चाहिए, इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए। इनके पास कम होगा इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इंटरमॉलिकुलर फोर्स कम लग रहे होंगे, वो आराम से एक दूसरे से फट जाएंगे, है ना, पेपर से कन्वर्ट हो जाएंगे। और कह रहे दूसरा क्या होता है, इनका मॉलिकुलर वेट जो हो वो लेस होना चाहिए, मॉलिकुलर वेट कम होगा, तो मॉलिकुलर वेट कम हो और इंटरमॉलिकुलर फोर्स लेस होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मोर हो जाता है। अब कहा कि यानी कि हमारे पास वोलेटाइल नेचर, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा आया करेगा तो हम समझ जाएंगे अच्छे ज्यादा वोलेटाइल, और जिसका वेपर प्रेशर कम आया करेगा तो हम समझ जाएंगे अच्छा वेपर प्रेशर कम। तो कह रहा है इसका मतलब कि अगर हम कोई देखो फ्लूइड लेते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं, तो अगर हमने लिक्विड को हमने रखा हुआ है तो कह रहा है कि वेपर बनता कहाँ से, तो कह रहा है वेपर में होता क्या है, ये जो सरफेस वाले पार्टिकल होते हैं यही हमारे पास वेपराइज होते हैं, यही बाहर निकलते हैं, और इनको खींचने वाले के पास इतना फोर्स नहीं है, ये आराम से एक लेयर निकल गई, फिर दूसरी लेयर आ गई, फिर वो निकल गई, ऐसे ये कर करके जब हम लोग कहते हैं कि वेपर टाइम। कह रहा है ये वाली स्टेज में तो कोई बंधन नहीं है इनके पास, कोई फाउंडेशन तो है नहीं, एक लेयर निकली तो फिर दूसरी आ गई, दूसरी निकल गई, तीसरी आ गई। लेकिन कह रहा है अगर हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज वेसल में रख दिया, अब क्या हो गया, अब ये इनके पास बंधन आ गया, लोगों के पास क्लास में बैठना ही पड़ता है, टीचर पढ़ा रहा है, बैठना ही पड़ता है ना, सोता रहता है, कोई ऐसे बैठा होगा बस आप पेस किया जाए, है ना, तो ऐसी तरह तरह के बच्चे बैठे होते हैं, तो वैसे ही इनका भी रहता है, ये इनके पास भी अब फाउंडेशन आ गई, जब फाउंडेशन आ गई तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो ये जो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे थे तो ये क्या कर रहे थे, अब ये देखो ये वोलेटाइल नेचर को उसको करेंगे, तो कह रहे हैं अब हम इसको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, और जब बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो कह रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी जाएंगे पेपर में कन्वर्ट होंगे तो ये यहीं पर मौजूद है, अब जितना ज्यादा कलेक्शन होता चले जाएगा तो अब क्या होगा कि देखो जितना ज्यादा जा रहा है तो अब ये वापस कंडेंस भी होने लगेगा, वेपराइज हो रहा है फिर कंडेंस हो रहा है, आता जा रहा है आता जा रहा है, तो कह रहे हैं एक समय ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो कह रहा है तब जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोला करते हैं, वही हमारे क्या होता है, पेपर प्रेशर हो गया, चलो यही बात, ये वेपर प्रेशर यहाँ से ऐसा। अब कह रहा है वेपर प्रेशर जो बना है तो ये क्या है, मान लो कोई ए है, ए क्या था लिक्विड में था और ये तुमने किसमें किया है, गैस में कन्वर्ट किया, तो यही बात जब तुम्हारे पास चल रही थी तो जा रहा था फिर वापस आ रहा था ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, कंडेंस हो रहा था, वेपराइज हो रहा था, तो कह रहा है यानी एक तरीके से इक्विलिब्रियम ही तो बना रहा है, और जब इक्विलिब्रियम बना रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर रखते थे तो ये क्या करते थे, बोलो भाई ये रखते थे, और जब ये रखते थे तो यानी कि गैस के लिए तो ठीक है प्रेशर आ जाएगा, और लिक्विड वाला जो हो जाएगा वही उसका एक्टिव मास क्या हो जाता था, 1 बन जाता था, यहां से जो तुम्हारे पास जाएगा तो ये पेपर प्रेशर केवल कितना होगा, के का गैस से स्टेट में ही तो आया करेगा, तो यानी जो के की वैल्यू आती है वो क्या आपकी एक तरह से पार्शियल प्रेशर या प्रेशर के टर्म में ये बताया करता है, ये प्रेशर कैसा है पेपर का। अब कह रहा है अच्छा इस के को अब रिलेट कराना है तो क्या होगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और जब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब वो कौन रिलेट करा करता था, कहता था एक हमारे पास आता है आर्हेनियस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट कराता है, कहां से
टेम्परेचर। और कह रहे हैं वहां कैसा रिलेशन होता है, कि यही के का जो रिलेशन होता है तो कैसा आ जाता है, के पावर ऑफ माइनस ये डेल्टा एच वेपराइजेशन बोला करते हैं भाई आर। इसको बोला करते हैं ये क्या होता है, एक आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका जो रिलेशन होता है टेम्परेचर से ऐसा रहता है। और जब ये टेम्परेचर का रिलेशन होता है तो यहाँ से देखो क्या करते हैं, अगर तुम्हारे पास ये के वन है ऐसे हमने अगर के टू निकाल दिया है तो क्या होता है ए डेल्टा एच वेपराइजेशन का होता है भाई आर टी। ये देखो अगर टी वन बना दो ये टी टू बना दो ये डिफरेंस होगा तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, तो यहाँ से एक ऐसा ग्राफ आ जाता है। तो ये देखो यहाँ क्या होगा, ये देखो यहाँ पर इनके इनके बीच में क्या करता है ये कुछ वेपर प्रेशर होगा ठीक है, और यहाँ टेम्परेचर का रिलेशन होता है। तो यहाँ से एक ग्राफ आ रहा है, इसको ग्राफ को जो हम लोग निकालते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है वेपर प्रेशर और ग्राफ टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन। और ये आगे करेंगे ये कहाँ मिलेगा, यही आर्हेनियस इक्वेशन मिलेगा जब केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर था। तो केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यही सबकी वैल्यू आ जाती है, और जब यही सबकी वैल्यू होती है तो यही कोई ग्राफ मिला करेगा। और बोल्ट्जमैन ने भी ग्राफ बताया था, और ये तुम्हारे पास वहां भी एक छूटा हुआ है कि यहाँ पर गैसियस स्टेट था और उधर उधर बैठ जाते भागने के लिए तैयार रहते हैं। और जब इससे यहाँ से ये ग्राफ आया यहीं से ये बताया करेगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से आएगा, कह रहा था यही देखो वेपर प्रेशर क्या हो, वेपर प्रेशर अगर 1 एटीएम बन जाता है ये जहां पर इक्वल होता है तो किसी को हम लोग बोला करते थे यही क्या बनेगा, यही बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। कालीगर की प्रॉपर्टी में यही सब ग्राफ काम करेगा, और ग्राफ से ही काफी जो अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो ग्राफ से बनते हैं। ग्राफ आया कहाँ से, आर्हेनियस इक्वेशन से। आर्हेनियस इक्वेशन से कैसे आया है इस हम लोग अभी बनाएंगे इसका ग्राफ, और यही तुम्हारा अभी फिर जाएगा केमिकल काइनेटिक्स में फिर वहां मिलेगा। और यही तुम्हें मिल चुका हुआ है कहाँ, गैसियस स्टेट के स्टेट ऑफ मैटर तुम्हारा लास्ट तक हुआ है वो सब यही काम। तो ये सब करने के बाद फिर जब हम लोग उसमें जाएंगे वो फिर तुरंत खत्म हो जाएगा ठीक है, तो वही चीज को हम लोग यहाँ समझ। तो यहाँ पर देखो टी का और के का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन कहाँ से होता है, यहाँ से। और जब ये यहाँ से होता है तो ये टेम्परेचर को ऐसे रिलेट करता है, तो पेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच ऐसा रिलेशन आता है। और जब ऐसा आता है तो कह रहा है ये 1 एटीएम जब हो जाता है किसके इक्वल, ये देखो पेपर प्रेशर जब 1 एटीएम हो जाता है तो यही पर ये बॉयल करते हैं, इसको हम लोग बोला करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट का जब प्योर फॉर्म में इसी को क्या बोला करते हैं, टीबी नॉट बोलते हैं। जब कोई प्योर फॉर्म में रहा करेगा तो उसको टीबी नॉट बोला करते हैं। तो कह रहे हैं कुछ मिलावट कर दोगे, ये क्या था प्योर सॉल्वेंट था, और जब प्योर सॉल्वेंट था तो ये ऐसा हो गया, और अगर इसमें तुमने मिलावट कर दिया इसका देखो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ये देखो अगर हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते मान लो, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता, ये देखो नॉन वोलेटाइल मिला दिए कि नहीं, नमक मिला दिया हमने, देखो मेरे बच्चे नमक मिला दिया, और जब नमक मिला दिया तो ये क्या होता है वेपराइजेशन क्या होता है, सरफेस फेनोमेना होता है, सरफेस फेनोमेना होता है। सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो निकल भागेंगे, अब सरफेस पे उतने मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, अब उसमें बीच बीच में नमक भी बैठा हुआ है ना, उसके भी पार्टिकल आ गए हैं, तो अब उसके पास इतने है ही नहीं, वो जाए तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, नॉन वोलेटाइल में मिला देंगे, जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो देखो वेपर प्रेशर कम हो गया ना तो ग्राफिकली समझो वेपर प्रेशर कम हो गया ना, बी किसका हो गया, ये सोल्यूशन का हो गया, ये कौन था, ये प्योर सॉल्वेंट का था, और जब कम हो गया तो इसका इसका देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया,
देखो ये बन गया, और जब इसका बॉइलिंग, तो बॉइलिंग का डिफरेंस क्या बन जाएगा, यही देखो तुम्हारे पास डेल्टा टी दिया जाता है, तो डेल्टा टी भी यही बन जाता है। डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, देखो ज्यादा से कम वाले को करते हैं, क्या बनता है टी वी माइनस टी वी नॉट, यहाँ रटना नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ अगर हम समझ लेंगे तो हम लोग इसके बेस पर चलते जाएंगे। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वेपर जो एग्जिस्ट करता है वो वहीं पर बॉयल हो जाता है ना। इसका भी प्रेशर अगर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वहीं पर वो बॉयल हो जाता है। तो ये सब हम लोग ब्रॉड डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग तो कल वाले में सब लोग अपने डाउट ले आना पेपर का, कल वाले में हम लोग डाउट डाउट के लेंगे। Thank you.